दिल्ली से आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको। पीएम मोदी ने मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली से खबर, थोड़ी देर में मंत्रियों के विभागों का होगा बंटवारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, मंत्रियों को शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली से खबर, थोड़ी देर में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, थोड़ी देर में बंटवारा होगा मंत्रालय का? जी बिल्कुल, देखिए तमाम मंत्रियों ने शपथ ले ली और यहाँ तक कि शपथ लेने के बाद ज्यादातर मंत्री अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं, कुछ अभी जरूर नहीं पहुंचे हैं। और इस बीच अभी तक मंत्रियों को विभागों के बारे में पता नहीं है। कई मंत्रियों से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर कहना था कि उन्हें जो भी विभाग दिया जाएगा वो उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि सरकार को तय करना है, खासतौर प्रधानमंत्री को तय करना है कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। यूपी जैसे राज्य के साथ साथ अमित आपको रोकना चाहेंगे और एचवी पशुपति पारस क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। क्या विभाग मिला है? एक क्या विभाग मिला अभी? कहाँ मिला है? अरे विभाग मेरे पास नहीं है। कितने बजे आप लेंगे चार्ज? चार्ज कितने बजे लेंगे? विभाग मिलेगा तब ना? कैसा विभाग मिलेगा? क्यों विभाग मिलेगा? तो बहुत सर फोटो लीजिए सर। पशुपति पारस मंत्री बने हैं। अमित दुबे हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ। अमित पीएम मोदी ने मंत्रियों को शुभकामनाएं दी हैं, थोड़ी देर में बंटवारा हो सकता है मंत्रालयों का। सभी से हमारे सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का और माननीय गृह मंत्री जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूं और उनको धन्यवाद देती हूं। जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा जताया है और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जो भी जिम्मेदारी, जो भी दायित्व मुझे दिया गया है उसके साथ में न्याय कर सकूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव भी काफी करीब हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? हालांकि सीधा संबंध इनसे नहीं है, फिर भी अपना दल और बीजेपी एक साथ हैं, कितनी मजबूती और मिलेगी इससे? देखिए, अपना दल ने हमेशा पिछड़े शोषित दलित समाज के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं इतना ही कह सकती हूं कि आगे भी हमारा ये सामाजिक न्याय का संघर्ष जारी रहेगा और प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी होगी। मैम हालांकि आप बोल चुकी हैं, आपका अनुभव रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य राज्य मंत्री रही हैं, कोई विशेष पोर्टफोलियो जिस पर आप काम करना चाहती हैं? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा उसके साथ मेरी क्षमता के अनुरूप मैं न्याय करने का प्रयास करूंगी। तो यहां पर आप सुन रहे थे अपना दल सांसद और नवनिर्वाचित मंत्री अनुप्रिया पटेल को। पीएम मोदी ने मंत्रियों को शुभकामनाएं दी है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।